हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान पंचकुला पहुंची और महासचिव हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के पद पर मीनाक्षी शर्मा को नियुक्त किया। इस अवसर पर सुमित्रा चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला कांग्रेस में महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है। इस दौरान सुमित्रा चौहान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार को बेटियों की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर फेल करार दिया। सुमित्रा चौहान ने कहा कि 2019 के चुनावों में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर राहुल गांधी की सरकार बनेगी। वहीं 2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी कितने प्रतिशत टिकट देगी, इस सवाल पर सुमित्रा चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, उस लिहाज से महिलाएं आने वाले वर्षों में 50% हिस्सा ही नहीं बल्कि राज भी करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को 50% टिकट दिलवाना ही उनका लक्ष्य है। मीनाक्षी शर्मा हैं जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। मीनाक्षी जी को हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव नियुक्त किया है। मीनाक्षी अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर पार्टी के लगातार 20 सालों से काम कर रही है। पूरा परिवार लगातार राजनीति में इस करिए रहा है। मैं बधाई देने आई हूँ और इनके कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आई हूँ। भविष्य में राजनीति में आगे तरक्की करें, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को उठने की इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल है। बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, बेरोजगार बच्चों को नौकरियां नहीं दे सकती, तमाम मुद्दों पर फेल है। 2019 में ये हरियाणा की नहीं पूरे देश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि आपने जो इस देश और प्रदेश के साथ झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करके राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएगी, इसका अहम हिस्सा मीनाक्षी जी भी हमारी रहेंगी। निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और हरियाणा में आई है, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हरियाणा में आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बिल्कुल एक जुमला साबित हुआ, बेटी बचाने और पढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। यहाँ तक कि लेटेस्ट अगर आप जाएं तो पूरी तो घटनाएं आप सबके बीच में, मैं मीडिया को बधाई देती हूँ कि निरंतर उजागर की है। लेकिन रिवाड़ी की बेटी के साथ जिस तरीके से हुआ, 24 घंटे तक इस थाने का केस नहीं दूसरे का है, एक जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और वो इस चक्कर में उलझा कर रह गई हो कि ये इस जिले का नहीं दूसरे का है, तो ये निरंकुश सरकार है, इसमें कोई संवेदनहीन सरकार है, पूरी तरह से फेल है। फेल ही नहीं, इनके दिल और दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहते हैं, अरे भाई क्या प्रश्न पूछते हो, एक बेटी की इज्जत उसकी असमत इतनी सस्ती नहीं है और हरियाणा की माए और बहनें इतनी कमजोर नहीं है कि आधी आबादी के साथ पूरी तरह से ना इंसाफ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। मेरी कोशिश ये है, समय के चलते जिस तरीके से महिलाएं निकल कर आ रही हैं, मैं बधाई देती हूं आधी आबादी को, अपनी बहनों को, जिस जोश से वो निकल कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, वो आज नहीं तो कल आने वाले वर्षों में 50% हिस्सा ही नहीं लेंगी, वो राज करेंगी और 50% निकालना ही मेरा एक लक्ष्य है। सबसे पहले तो मैं सुमित्रा चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, थोड़ी जल्दी में थी वो निकल गई है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक ऐसे परिवार से, उस ऐसे गौरवशाली परिवार से हूँ जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो मैं व्यवसाय से इंजीनियर होने के बावजूद इस गौरवशाली परिवार के प्रभाव और मार्गदर्शन से आज राजनीति में कदम रखा है। और जो हरियाणा में और पूरे देश में, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमें अपने देश को विकसित देश बनाना है और आगे बढ़ना है तो महिलाओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र में मुख्य धारा में काम करना होगा, उसमें आगे बढ़ना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही पर्याप्त नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। आज बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। महिला कांग्रेस का गठन जो हुआ था, आज वो तीव्रता से बढ़ रहा है, उसका प्रमाण है आज महिला कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद। जो पिछले दिनों रैली निकाली गई महिला अधिकार रैली, उसका उस प्रमाण है बढ़ता हुआ कद आज महिला कांग्रेस का। उसी प्रयास पे मैं चाहूंगी, जो सुष्मिता देव जी कर रही हैं, सुमित्रा चौहान जी कर रही हैं, उसी प्रयास में मैं चाहूंगी कि मैं अपना सुयोगदान दूं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ूं और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करूं। हिंद एक्सप्रेस के लिए पंचकुला से उमंग शौरान की रिपोर्ट।